हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुश्रीस ब्यूटी। कॉम करने के बाद अगर आप लोगों का इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है तो फिर ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे जाकर इससे ज्यादा हेयर फॉल भी हो सकता है। अगर आप जीरो हेयर फॉल चाहते हो तो फिर डेफिनेटली एक बार इस होम मेड डीप क्लींजिंग हेयर मास्क को ट्राई करना। आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जाएगा, हेयर बहुत ही ज़्यादा लंबे भी हो जाएगा, वो भी कुछ ही महीनों में। तो फिर आज के इस रेमेडी में जो प्लांट यूज़ होगा वो होगा सदाबहार प्लांट, जो कि कुछ इस तरह दिख रहा होगा। इंग्लिश में भी इसको सदाबहार ही बोलते हैं। तो पहले एक क्लीन बाउल पहना, जितने भी हमने फ्लावर्स एंड लीव्स को कलेक्ट करके लाए होंगे उन सबको इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के बाद जितने भी लीव्स एंड जितने भी फ्लावर्स हैं ना, उन सबको हम अलग कर देंगे, ताकि इसका फ्लावर्स एंड जो लीव्स का पेस्ट बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम जितने भी फ्लावर्स एंड लीव्स को अलग किए हैं उन सबको एक क्लीन बाउल पे भर के वाटर ऐड कर देंगे, और वो सारा फ्लावर्स एंड लीव्स को उसी वाटर में डीप करके अच्छे से साफ कर देंगे, क्योंकि पॉल्यूशन के वजह से धूल, मिट्टी, डर्ट, बैक्टीरिया, जो भी कुछ उसे फ्लावर्स एंड लीव्स में लगे होंगे ना, वो सब अच्छे से क्लीन होके निकल जाएंगे, ताकि इन सब का पेस्ट बना के जो भी हम अपने हेयर में अप्लाई करेंगे वो अच्छा रिजल्ट शो करेगा। इसको ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम ना एक क्लीन बाउल पे 2 चम्मच टी पाउडर ऐड करेंगे एंड उस पे करीब 1 कप वाटर ऐड करेंगे एंड उसको अच्छे से बॉईल कर देंगे। चाय पत्ते का पानी हमारे हेयर में एक अच्छा सा साइन प्रोवाइड करेगा, हेयर फॉल को स्टॉप करेगा एंड हेयर ग्रोथ को बूस्ट भी करेगा। चाय पत्ती का पानी होने के बाद जितने भी फ्लावर्स एंड लीव्स को हमने साफ किया था उन सबको लाके उसी वाटर में हम डाल देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 चम्मच हनी ऐड करेंगे। हनी मॉइस्चराइजिंग एंड कंडीशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 चम्मच ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा एंड जहाँ पे हमारा हेयर नहीं होगा वहाँ पे भी न्यू हेयर को उगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चाय पत्ती का पानी ठंडा होने के बाद इन सबको ब्लेंडर में ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर देना। ब्लेंड करने के बाद जो थोड़ा सा वाटरी पेस्ट आएगा ना, उसको अपने हेयर में लगा के आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देना। 1 घंटे के बाद रनिंग टैप वाटर से हेयर वॉश कर लेना। उसके बाद जो भी आप रेगुलर शैम्पू यूज करते हो उससे हेयर वॉश कर लेना। डेफिनेटली 3 महीने में आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। सदाबहार प्लांट में ना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जो कि हमारा हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एंड जो हमारा एक्सेस हेयर फॉल होता है उसको रिड्यूस कर देता है, वो भी कुछ ही महीनों में। बेटर रिजल्ट्स के लिए इस हेयर पैक को आपको वीक में सिर्फ 1 बार ही यूज करना है। थैंक यू गाइस।